एंगर पे है कि हाउ टू डील विद अ जनरल स्टेट ऑफ माइंड दैट इज बेस्ड ऑन एंगर. इट्स लाइक 1 मिनट आई एम अवेयर ऑफ द एंगर अराइजिंग एंड प्रोबेबली आई एम टेकिंग प्राइड इन बीइंग एबल टू वॉच इट एंड इन द फॉलोइंग मोमेंट्स आई गेट लॉस्ट इन द एंग्री थॉट्स एंड बिहेव अग्रेसिवली. दिस हैपन्स रिपीटेडली. आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट नॉट बीइंग एबल टू वॉच एंगर इफेक्टिवली. वॉट टू डू अबाउट इट. And there are some unresolved feelings due to family members also. So how to deal with all of this? जी, जब भी कोई संस्कार जो है बहुत स्ट्रांग हो, तो वो जैसे मैंने सती पठान के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था ना, वैसे तो ये कह सकते एक चित्त की स्थिति है। तो अगर हम उसको देख रहे हैं, शायद वो संग व चित्तन, शायद वो संग चित्तन ते पजान आती, तो थोड़ी देर में वो निकल जाना चाहिए। वो रही नहीं निकल रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो एक निवरण है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी साधना में। तो देन वी लुक एट इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, द मानोपशना पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर वी आर टोल्ड अथि में अज्जत्थं व्यापादं, अथि में अज्जत्थं व्यापादो ते पजानाति, यथा च अनुपन्नस्य व्यापादस्य उत्पादो होती तम च पजानाति। तो ये व्यापाद बार बार जब जागता है, जब मान लीजिए गुस्सा बार बार जागता है, तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्यों जाग रहा है, क्या कारण है। तो देन द क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन टू द रूट ऑफ इट, उसके रूट में जाने का देखना पड़ेगा कि गुस्सा जागा तो किस परिस्थिति में जागा। जैसे मान लीजिए कि अब उस समय अगर नहीं भी मालूम पड़ा, तो आप रिट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए दिन में कभी आपको एक बार गुस्सा आ गया और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, जब आप शाम को ध्यान करने बैठे, तो उसी घटना को याद कर लीजिए अपने मन में दोबारा, और देखिए क्या हो रहा है। ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो यू नो कि कहाँ पे किस वेदना के प्रति, कहाँ पे वेदना थी जिसके प्रति प्रतिक्रिया हुई और तृष्णा जागी, क्रोध जागा, और उस वेदना का कारण क्या था। किसी ने कुछ शब्द कह दिए, या किसी ने कुछ क्या कुछ खाना गलत खा लिया, या कुछ कड़वा खा लिया, कुछ जो भी कारण हुआ हो, तो यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ ये कारण था, इसके कारण अप्रिय वेदना हुई, और उस अप्रिय वेदना का कारण क्या था, वो मेरे परसेप्शन था या बाहर की परिस्थिति थी। अब अगर बाहर से गर्म तवा लग जाएगा, तो गर्म तो फिर तो दर्द होगा ही ना, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ वाणी कही और मैंने उसको, मेरे परसेप्शन से मेरे को वो बहुत गलत लगी, तो मेरा परसेप्शन उसमें इन्वॉल्व है। तो यू इन्वेस्टिगेट लाइक दैट एंड फाइंड आउट वेयर इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज इन माई परसेप्शन, और एंड देयर फॉर दैट परसेप्शन इज कॉजिंग अराइजिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग, एंड दैट अनप्लेजेंट फीलिंग इज ट्रिगरिंग एंगर। सो वी अंडरस्टैंड दैट होल अकॉर्डिंग टू पतिच्छे समुत्पाद, ये प्रॉब्लम का कारण है, इसको समझना पड़ेगा। तो अब फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेरी परसेप्शन ऐसा क्यों बना हुआ है, ऑल परसेप्शंस लॉर्ड से आर मिराज। तो कहीं ना कहीं मेरी परसेप्शन की प्रॉब्लम है। किसी फैमिली मेंबर के कारण खासतौर पर ये प्रॉब्लम रहती है कि फैमिली मेंबर को बोलने का तरीका ऐसा है, और मेरा परसेप्शन है कि ऐसे बोलने का तरीका जो है डिसरेस्पेक्टफुल है, एंड देन यू गेट इनटू इटरनल प्रॉब्लम, कैन नेवर सॉल्व इट। बट यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन कि वो पर्सन जो जैसे बोल रहा है, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता है। ही इज, एंड इवन इफ ही और शी इज डिसरिस्पेक्टफुल, सो व्हाट, व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग डिसरिस्पेक्ट एंड सफरिंग माई सेल्फ। नाउ दैट इज अ फर्दर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए कहा जाता है कि दुख भी है, नहीं क्रोध दुख है, आप खुद ही लिखा है प्रश्नकर्ता ने कि बहुत परेशानी होती है, तो वो दुख है तो उसको समझना है। भगवान ने कहा ना प्रथम आर्य सत्य में, सफरिंग इज, देर इज सफरिंग, सफरिंग हैज टू बी अंडरस्टूड, परिनयति, उसको गहराई से समझना है, और फिर समझेंगे तो उसका कारण भी समझ में आ जाएगा, कौन सी तृष्णा है वो समझ में आ जाएगी, फिर उस तृष्णा को त्याग कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करके समझने का तरीका। दूसरा, दूसरी डायरेक्शन में उसका एक और तरीका है कि अगर मेरा टेम्परामेंट ही बहुत स्ट्रांगली दोष चरित, जिसे कहा था ना टेम्परामेंट में दोष चरित, मतलब मेरा टेम्परामेंट ही कंप्लेनिंग है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मान जैसे उदाहरण उसमें विशुद्ध भगवान दिया जाता है कि जो दोष चरित्र वाला आदमी होगा, वो कहीं जाएगा, मान लीजिए किसी के घर गया, तो उसको घर पे जो ब्यूटीफुल चीज़ें वो नहीं दिखाई देंगी, जो कमी है वो उसको उसको तुरंत उसकी ओर ध्यान चला जाएगा। तो उसे ये, हाँ ये कमी है, ये यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं। सो दैट शोज मेरा चरित्र जो है, मेरा जो टेम्परामेंट है, चरित्र इज नॉट इन द सेंस ऑफ करेक्टर, इन द सेंस ऑफ टेम्परामेंट, वो दोष वाला है। दोष मतलब वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, क्रिटिकल एटीट्यूड है, क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड है, तो मुझे उसको बदलना पड़ेगा, मुझे मैत्री का एटीट्यूड करना होगा। तो द्वेष का जो एंटीडोट है, मैत्री है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसका द्वेष चरित्र हो, वो मैत्री की साधना करे,
बाकी छोड़ दे बाद में, फिलहाल छोड़ दे उसको। काफी समय पहले आप चित्त को थोड़ा सा शांत कर ले, नहीं होता शांत तो मैत्री के आधार पर शांत कर लीजिए। आप साधना प्रमुख साधना मैत्री की बना लीजिए, पहले अपने प्रति मैत्री कर लीजिए, उसमें तो सामान्यतः दिक्कत नहीं होती है, फिर दूसरों के प्रति उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर परिवार के लोगों के प्रति करने में दिक्कत है तो जिसके प्रति भी सद्भावना नेचुरली होती है उसके प्रति करना शुरू करें और धीरे धीरे उस सर्कल को बढ़ाते चले जाएं। तो ये जो कुशल उपाय हमको महान आचार्यों ने समझाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से तो हम पहले अपने प्रति, फिर जिनको हम जिनके प्रति बिल्कुल नेचुरल हमारी मैत्री भाव है उनको याद करके उनके प्रति मैत्री का भाव मन में जगाएं, फिर दूसरों के प्रति न्यूट्रल के प्रति, और फिर जिनके प्रति मैत्री नहीं है और द्वेष मन में द्वेष है उनके प्रति भी अभ्यास करेंगे धीरे 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 धीरे। सो दैट्स वे वी कैन काइंड ऑफ चेंज अवर टेम्परामेंट। तो हमको अपना टेम्परामेंट भी चेंज करना होगा, दोष चरित्र से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, सो दैट ये जो टेंडेंसी है क्रिटिसिज्म की, टेंडेंसी है कंप्लेनिंग की, वो कम हो जाए, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाए। अल्टीमेटली तो परसेप्शन संज्ञा की बात है, होती है मोस्टली संज्ञा की परेशानी होती है। मेरा अपने अनुभव से मैंने देखा है कि संज्ञा, और वो भी ऐसी इनोकुअस सी चीज़ होती है कि किसी की बात करने का तरीका अलग है, कोई बहुत ज़ोर से बोलता है, कोई बहुत धीरे बोलता है, और वो ज़ोर से बोलता है तो लगता है ही शाउटिंग एट मी और शी इज शाउटिंग एट मी, जबकि उसका कारण ये हो सकता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो स्कूल में पढ़ाता है और वहाँ पे बच्चों को सीखना पड़ता है बच्चों के प्रति, और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चों के प्रति चीखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो परसेप्शनल, अब मैं सोचता हूँ कि वो जोर से चीखता है तो ही और शी इज बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द परसेप्शन की जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो एंगर अराउज करने में बहुत, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट। तो दोनों ही तरह से काम करना होगा, इन्वेस्टिगेट को भी करना होगा और समझना होगा उसका रूट कॉज, क्योंकि अल्टीमेटली उससे सॉल्यूशन होगा, और फिर मैत्री भी करेंगे। तो मैत्री जैसे जैसे करेंगे थोड़ा 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 द्वेष का स्वभाव कम होगा, और दोनों तरफ से काम करेंगे तो देन वी विल बी इन ए पोजिशन टू गेट ओवर इट।